नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, प्रोफेसर एंड ग्रुप डायरेक्टर मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर। वी आर बेसिकली इनटू फार्मेसी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एजुकेशन एंड बीएड एजुकेशन। वी आर आल्सो हैविंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट एंड वेरी इनोवेटिव सीबीएसई स्कूल विद द नेम मॉडर्न इंस्टीट्यूशन स्कूल। सो आई एम एसोसिएट विद द एजुकेशन फ्रेटर्निटी एंड where we are creating the future of the nation. So today's topic, directly I'm coming to today's topic, that is post what are the challenges education system is going to face after this post COVID, you can say environment or post COVID. So there are many important aspects, many important things that one has to keep in mind while going through the education system and discussing the education system. It has some pillars and we have some ancient history, very ancient history, and we were known as a Vishwaguru. We were having great institutions, great universities like Nalanda, Takshashila and many more, huge big libraries and very you can say state of the art and enriched infrastructure, educational infrastructure in India. But day by day jaise jaise sthitiyan badalti gayi, paristhitiyan badalti gayi, desh kal aur paristhiti ke anusar cheezon mein badlav hona avashyak bhi hota hai. Kai akramankari aise aaye jahan se bharatiya education system ko barbad karne ka prayas kiya gaya, कुछ हद तक किया भी गया, परंतु फिर भी भारतीय एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपने आप बर्बाद नहीं किया जा सकता है, खराब नहीं किया जा सकता है. कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे मैं आपसे आज चर्चा करूंगा. आज का जो विषय है COVID-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और आप सबको इसके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम सभी इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं. एजुकेशन भी एक ऐसा सेक्टर है जो इसमें स्ट्रगल कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल वहाँ भी जारी है, एजुकेशन सेक्टर में भी जारी है. व्यापार व्यवसाय के साथ साथ, कृषि के साथ साथ, एजुकेशन में भी जिस प्रकार से चैलेंज लोग फेस कर रहे हैं, जिसके स्टेक होल्डर्स फेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम ये आज की चर्चा हमने यहाँ पर शुरू की है और आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं. मित्रों, ये जानने का विषय है और ये बहुत ठीक तरीके से जानने और समझने का विषय है कि एजुकेशन सिस्टम किससे बना है. हम पहले ये जानेंगे कि एजुकेशन सिस्टम किससे बना है, एजुकेशन सिस्टम में आगे जो भविष्य में चैलेंजेस आने वाली हैं, उन चैलेंजेस का असर किस पे पड़ने वाला है, और उस चैलेंजेस से बचने के क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इन चैलेंजेस से हमें बचा सकते हैं, या हमें किस प्रकार से उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी जिससे हम उससे अपने मन से या अपने प्रयासों से आसानी से बच सक पाएँ. सो मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और हम इस विषय पे आज इन डिटेल स्टडी करेंगे, जानना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से COVID-19 के पश्चात एजुकेशन को देख रहे हैं, उसमें शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन होने वाले हैं, या ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम किस प्रकार अपने देश, अपने शिक्षण समाज को एनरिच कर सकते हैं, एंड किस प्रकार से हम अधिक से अधिक अपने रिसोर्सेस को उसके योग्य बना सकते हैं, जिससे कि आसानी से हम इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सक पाएँ. इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और द पीपल दोज हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद टीचिंग फ्रेटर्निटी, एंड यू कैन से दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो मित्रों, चलिए चर्चा पे आते हैं और विषय का जो महत्व है उसके महत्व को बरकरार रखते हैं. उस महत्व के आधार पे ही किस प्रकार हम पोस्ट कोविड या COVID-19 के जो इम्पैक्ट हैं, जो इस देश काल में या शिक्षा जगत में जो समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कहाँ कहाँ हमें समस्याएँ मुख्य रूप से आने वाली हैं, और हम कौन कौन से वो स्टेक होल्डर्स जो इसमें डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से हम इन समस्याओं का समाधान
बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हम उस बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा और बताऊंगा और जानना चाहूंगा और आपके सामने ये विषय रखूंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिक्षा को प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, जिनके माध्यम से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है और जो एक ऐसे कॉम्पोनेंट हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिक्षा के पर्पस को, शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुँचाते हैं और उसके इम्पोर्टेंस को बरकरार रखते हैं। तो आइए हम इस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं COVID-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारी चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे पहले जिन कॉम्पोनेंट की चर्चा करनी चाहिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं जिनको हमें फोकस करना है, जिनके बिना इस शिक्षण जगत का या एजुकेशन एनवायरनमेंट का या एजुकेशन सिस्टम की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, वो एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जो है वो है शिक्षक, टीचर। तीसरा है संस्थान, दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चौथा है शिक्षा, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है समाज, सोसाइटी। एंड छठवां है देश। तो हमने जो इस चर्चा में हम जिन विषयों पे बात करेंगे या जिन पे हम फोकस रहेंगे वो यही विषय हैं कि विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थान, शिक्षा, समाज और देश। हम इसके अलावा और किन्हीं बिंदुओं पे चर्चा नहीं करेंगे, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारी चर्चा जो रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी। और कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों की समस्या, उसके समाधान, शिक्षकों की समस्या, उसके समाधान, संस्थानों की समस्या, उसके समाधान, शिक्षा की समस्या, उसका समाधान, अल्टीमेटली समाज की समस्या, उसका समाधान, और देश की समस्या और उसका समाधान शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले जब हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं या जब हम COVID-19 एंड इट्स इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि COVID-19 का इम्पैक्ट देश में क्या रहने वाला है या COVID-19 का इम्पैक्ट जो है वो शिक्षक पे क्या पड़ने वाला है या बाकी इन सारे एलिमेंट्स पर कैसे पड़ा है, किस प्रकार से आगे बढ़ा है, किस प्रकार से चैलेंज आई हैं, हम वो देख रहे हैं। तो जो पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया विद्यार्थी, देखिए ये जो एलिमेंट है, ये जो त्रासदी है या जो पेंडेमिक है, इसके पहले की जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी सिस्टम की या इकोसिस्टम की, वो हमारे पास पूर्ण नहीं थी, जिसके कारण समस्याएं आई हैं। इस समय कई प्रदेशों में, देश के विभिन्न भागों में कई विद्यार्थियों की, कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, जो एक बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ा एक विषय है जिसको एंडोर्स करना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रथम समस्या मैं देखूंगा, जो स्टूडेंट्स के लिए जो समस्या आने वाली है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। यह एक समस्या नहीं है, समस्या के साथ साथ एक तरह का समाधान भी है। यह एक नया, मैं कह सकता हूँ कि एक नया वे है एजुकेशन सिस्टम को जानने समझने का और किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, मैं साइमल्टेनियसली फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे लाइव हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे राघव शर्मा का क्वेश्चन आया है, सर वुड यू लाइक टू थ्रो लाइट ऑन ऑनलाइन स्टडीज, हाउ ऑनलाइन स्टडी मे ब्रिंग चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ऑफ कोर्स यस राघव, द प्राइम फेसिया यू कैन से मोटिव ऑफ दिस लाइव इज दिस ओनली, दैट हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद द ऑनलाइन एजुकेशन एंड हाउ ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू solve various problems of our life and especially in this ecosystem of education and with respect to Indian education system. So friends, this is the very high time to discuss various things, like I was telling you about the problems of the student, that how a student is going to face or how a student is facing problem, how they are feeling at home during these lockdowns, four lockdowns simultaneously. So how they are spending their time and how they are looking for the future in education, how they are looking for their jobs and placements and trainings, internships and many more things. So first very important thing, the problems of the students. The online study itself is a big problem for each and every student, especially in India. Because we are having the interaction between the teacher and the student
and the eye contact between body language of the teacher, body language of the student, whether they are understanding or not, the teacher comes to know. But here in online mode, there is some problem that in few cases, okay, this can be a very, you can say, very important source of knowledge, like YouTube and many other video channels from where we can get n number of, you can say, course materials and knowledge and everything. But the basic thing is, in India, when we are talking about the teaching and when we are talking about the education, we are having three very important components, student, teacher and institution. So student, teacher and institution, they all three are the very important pillars of the education system. So here, when teacher is not there and only student, he has to get the knowledge from his own effort from the YouTube or any other social media platform or any other content platform from where they can get many more videos, no problem in that. But again, when they have the question, they can ask, but it is online mode and sometimes like the speaker is not able to answer all the questions because the time has the limit and he has to deliver the content. He has some limitations and all these. So in that case, it is again the problem, the curiosity of the student that they are not able to get the source of, you can say, the answers they are looking for or the actual answer they are looking for. This might be a chance that the content deliverer or the teacher or the mentor who is delivering the lecture may answer his question afterward, but at the time, and we cannot read the facial expression of the student that what type of problem he or she is facing. So this is a very, you can say, behavioral problem in this online education system. I'm not against the online education system, but what we are facing in India, because we were not ready for all these things. But ultimately, now it is the future of country and future of the world and even the future of the education system. So we have to accept it, and how beautifully we can manage and how tactfully we can handle and we can be the part of this ecosystem. That is the thing that we have to keep in mind. That is very important aspect for all the students, all the teachers and even all the institutions. Friends, so this was the online. Again, online teaching is the problem, like we are not able to understand things because there is no teacher directly involved. Like here, I'm delivering the lecture. Some students are watching the show. They are, whether they are understanding or not, that I don't know, but okay, I'm delivering the lecture. They can understand things. If they have questions, some questions I may skip here from my this mobile or my laptop and I can answer later on, but currently, at present, in the real time, I'm not able to answer their questions because I have the content and I have to deliver that content in this given stipulated time. So this is another very important and very challenging act when we are using online mode of education. Next, very important thing that I want to focus on, that is the infrastructure, like online infrastructure. When we are talking about the online education, it depends upon the mobile, it depends upon the internet, it depends upon the network and all these. And students, we have the a huge population from different villages, different part of the country, from very interior, very rural areas, from tribal areas and hilly area and many other parts of the country. So here we have the different gentry in our country, and we cannot do this online education provide online education to everyone. That is another problem. So if like this, in this lockdown, we have seen students have faced many problems. And what is the problem? They are in their homes. Some are from very far away places, from very rural areas and tribal areas. And they are now not able to get the network properly in their locality. And that is the reason. They are not happy with the, though faculties and the teachers and the institutions are delivering the lecture for the students on Zoom, on many other social media platforms, or live and Skype and all these. But the problem is, due to lack of infrastructure, due to lack of this network, lack of proper mobile services in their area, they are not able to learn properly. They are not able to get what they actually want to get from the teacher and the institution. So this is the problem that is to be addressed properly, and it is our duty to address this problem properly. So this is another very important thing. So we have discussed two major problems for the student. The first one was the online education, that means acceptance of online education in very short notice. Second one, the infrastructure, readiness of the infrastructure
for the online education. That was a student-centric problem and behavioral problem like body language and all these we are not able to understand. We don't have the real-time solution for the problems when we are talking, when we are dealing with the teacher or when we are meeting with the teacher and getting our problem solved. So this is the thing that students are going to face in future for some time. And if it is continuing, then again, we have to think, we have to change our mindset and we have to work accordingly, we have to act accordingly, and we have to accept it as per the ecosystem, as per the, you can say, the environment. The second very important, we can say, the pillar of education system is teacher. So after student, again, the teacher, we are going to discuss about the teachers and how teachers are playing vital role. And after this COVID and its impact on education system, we are discussing. So teacher is also one of the element which is which are facing many problems during this lockdown and this COVID-19. So how they are facing the problem, that we have to understand. The online teaching, the first very foremost, you can say, very important problem they are facing is online teaching. They are not used to, in only in some premier institutions in the country, they are following online education and they are providing online education to their students for different places throughout the country, far away places and many other part of the country. So they are having this infrastructure and they are used to online education, online teaching. So skilling is another very big problem for the country when we are looking for the change and when we are going to accept the online education system. Again, we have to skilling our teachers to take online classes properly. That is another problem. There are very few, you can say, I'm not knowing about the percentage of the teachers who are very much comfortable with the online education and very much handy on laptops and all these, because still we are having the traditional method, talk and chalk method of the education system. In our education system, teachers are following no matter, and they are very knowledgeable people. Teachers are having great knowledge, but they are not able to accept this change in this very short span of time. That is the very big challenge for teachers, that they are knowledgeable, they are having the knowledge, but they don't have the skill of using this online platform and to teach students and solve their problems. So this is the problem of teachers who are facing due to this COVID-19 and its impact on education system. So teaching is one of the pillar of the education system, and how he or she is affecting by this pandemic. And second, again, the online infrastructure, they have the knowledge, they have, and even though if they can learn the skill, but they don't have proper, again, it's the same problem, because they are in the lockdown, they are stuck somewhere in their country, in their rural areas or in their villages and all these hilly areas and tribal areas. So we have the problem of infrastructure. Teachers are also facing the networking problem, the network problem. Every day, if they are conducting three, four, five classes, online classes, so they are consuming of 4 to 5 GB of internet every day. That is another problem, and they are not able to meet the current requirement, you can say, of this pandemic. And this is the very major impact on education system, because the student and teacher both are affected, equally affected by this pandemic. Next, the third very important pillar we have to discuss, that is the institution. So first pillar was the student, second pillar was the teacher, and third pillar we are going to discuss, that is the institution, you can say college and schools. So how they are affected by this pandemic, how they are affected by this COVID-19, and how they are going to deal with this problem, and how they are dealing, and what is the future of them. So same again problem we can find in case of institutions. They are not able to get, they're not having proper infrastructure to conduct online classes. And if they have, in the lockdown, all the colleges and schools are closed, so teachers cannot move there to take the classes. So they have to manage at their home only, at their area only. That is the problem. And if they are going to take classes somehow, in that case, again,
institutions, some government institutions and very reputed institutions, very premier institutions who are funded by the government, they are having this online education classes and MOOCs preparing classes and MOOCs model and MOOCs module, MOOCs infrastructure they are having. But we have so many private colleges, affiliated colleges, government colleges, autonomous colleges in the ecosystem and who are facing many problems because they don't have the proper infrastructure of conducting online classes for the students or managing online classes for the students. So infrastructure, very poor infrastructure is the problem of educational institutions, and they were not ready to take this challenge very soon. But it was like you can say, it was in sudden problem arise from this COVID-19. So they are facing the infrastructure problem, and that means the educational institutions are not having proper infrastructure so that they are not able to manage online classes. The second that is very important problem they are facing, that is the expert faculty. They don't have the expert skilled faculties who can train student or who can take online classes on their own with using their own resources, because earlier they used to use the chalk and talk method, that was a very traditional method, and they don't have the you can say the skill of using the online mode of education, delivering education, and that is the problem educational institutions are facing. So they are having two major problems of the education institution. First one, they don't have the proper infrastructure, and second one, they don't have the skilled teachers or maximum skilled teachers who can take online classes without any hesitation, without any problem. So this is the thing that one has to take in mind, and we have to discuss. This is the need of our. The third is over. Now we have discussed student, we have discussed teachers, we have discussed educational institutions. Next one is education, that is the output of system, that is the output of this you can say student, teacher and institution, that is and the output is education, that is shiksha. So how they are going to deliver, though all these things are not properly maintained, and we don't have the proper setup for the online education and proper infrastructure for the delivering online education. So, and we are not in touch with the students, they are very far away from our places, and they are at their own places and very far away, like in some country areas or some hilly areas, some tribal areas. So we are not able to connect them, we are not able to deliver classes, and because of that, and some of them are delivering their lectures, some of them are in connect, they are in connection and they are getting the knowledge, but some students, they are from very far away places, they don't, their financial position is not so strong, so that they can use much internet, and they can buy the internet, and they can use the internet for attending lectures. That is the problem actually in our country, and that has to be addressed properly. So next, that thing is very important. Education. So if we don't have the proper infrastructure, we don't have the skilled teachers who are going to deliver good lectures on online or effective lectures on through online mode. So that is the reason we are not able to, we are facing a problem in Indian education system due to this pandemic, COVID-19. And next pillar I have to discuss, that is the society. Why we are working on education, why we are delivering lectures, why we are conducting classes, why we are interacting with the students, why there are many education institutions, why there are many teachers, because we are going to build the society. And for building the society, there should be proper mentoring, and there should be a platform where we can mentor the students, we can discuss, and not only apart from the routine classroom, we can also teach them how to become a good person, how to become a good human being. So we are not able to help the society because students are not available, they are at their places, teachers are at their places, both are stuck, education institutions are not functioning because of the lockdowns, and in future also they are not able to have proper infrastructure to conduct online classes. So society is also suffering because of this pandemic, COVID-19. So impact on education as well as impact on society. So we can say the COVID-19 has its impact on education, and so that it has its impact on our society. The next and the last, that very important, I must tell you, the component, that is the country. We are working for the country.
वाई वी आर वॉकिंग फॉर द कंट्री एंड इफ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड प्रॉपर सोसाइटी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू बिल्ड और वी आर नॉट एबल टू बिल्ड राइट सिटीजन्स वी आर नॉट एबल टू बिल्ड गुड कंट्री मैन. So this is the duty of a teacher, this is the duty of education institutions, even is the duty of parents to connect, to get the knowledge, to learn things, to accept the changes and to be with the flow and to learn many things to survive in the society after this pandemic, and this is the need of our. So friends, we have discussed many problems like problems of students, problems of teachers, problems of educational institutions, problems of society, problems of education, problems of country. So they are the major things that one has to address. They are the major things that one has to think of. And it is the duty of we all, we as a citizen of this country, we have to accept challenges, and this is the right time to act properly. This is the right time to act for the nation, and jointly we can collab and we can do wonders. So I am appealing to all the parents, I am appealing to all the leaders of the country that this is the right time to build a very good infrastructure. It will take some time, but again it is a cooperative, you can say, like we can jointly do that and for the betterment of our own country. Because if education system is not properly managed and education system is failed, automatically the country will fail. So that is very important thing that one has to keep in mind, and we cannot neglect at the citizen of India. So for online classes and for all these things, we have to build the ecosystem, we have to build the infrastructure, we have to walk accordingly, join hand together for the betterment of society. So let's join hand together and let's be with the society, work for the country. मित्रों, आपसे मेरी जो चर्चा हो रही है वो इस समय चर्चा COVID-19 और इसका प्रभाव, जो शैक्षणिक संस्थाओं पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उस संबंध में मेरी आपसे चर्चा हो रही है. इस चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य एलिमेंट्स हैं, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं. जो पहला सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है स्टूडेंट, विद्यार्थी. जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है शिक्षक, टीचर. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो है शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल. चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है शिक्षा, अच्छी उत्कृष्ट शिक्षा. पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है समाज, और छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है देश. सो विद्यार्थी से लेके देश तक पहुंचने की जो बात मैं यहाँ आपसे करने वाला हूँ, इसमें कई तरह की समस्याएं, जो COVID-19 के चलते जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार हम काम कर सकते हैं, किस तरह हम भारत के भविष्य को देख रहे हैं, किस प्रकार हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे. छात्रों के लिए, जब विद्यार्थियों के लिए मैं चर्चा करूंगा, तो उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं हैं. विद्यार्थियों को ये समस्याओं को मैंने मुख्यतः दो भागों में बांटा है. एक समस्या ऐसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल समस्या नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में तकलीफ आ रही है, और दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स. जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑनलाइन मोड को एक्सेप्ट कर लेना, या फिर मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन जो इंटरनेट की समस्या है वो एक सबसे बड़ी समस्या है. और हमारा जो व्यवहार है विद्यार्थियों का, जो इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता है, और वहाँ पे जो नॉलेज या ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसका एक अपना अलग महत्व होता है. और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अगर आप देखें तो टीचर आता है, मेंटर आता है, और अपने कंटेंट को डिलीवर करता है और चला जाता है. कुछ प्रश्नों के उत्तर वो दे पाता है, कुछ प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे पाता है, और यहाँ पे विद्यार्थी की जिज्ञासा बनी रहती है, विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है. यह एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. तो विद्यार्थियों को मुख्यतः दो प्रॉब्लम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनेट की उपलब्धता, और दूसरा क्योंकि हमारा व्यवहार ये रहा है कि हम चॉक एंड टॉक मेथड से और गुरुजी से मिलके, शिक्षक से मिलके, उनकी बातों से समझ के, एग्जांपल्स के माध्यम से समझ के हम चीज़ों को समझ पाते थे आसानी से, लेकिन अब हमें वो उस तरह से नहीं मिल रहा है, वह पर्सनल टच नहीं मिलने के कारण यह विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है. दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कड़ी है इस एजुकेशन सिस्टम का, वो है शिक्षक. शिक्षक इस पैंडेमिक या इस महामारी के चलते, COVID-19 के चलते किस प्रकार समस्या में आया है, या किस प्रकार से वो समस्या ग्रस्त है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. शिक्षकों को भी मूलतः दो प्रकार की समस्याएं हैं. एक समस्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, जहां पे उन्हें
इंटरनेट वगैरह की सुविधा, क्योंकि वो अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन में हैं। कई लोग पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, कई लोग आदिवासी क्षेत्रों से, जनजातीय क्षेत्रों से हैं, कई लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इंटरनेट के नेटवर्क की उपलब्धता नहीं होने के कारण वह विद्यार्थियों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए है। जो दूसरा है वो व्यवहारिक चैलेंज है, जो टेक्निकल चैलेंज, जो स्किल बेस्ड चैलेंज है, जहाँ पे हम हमारे पास ऑनलाइन क्लास लेने का नॉलेज नहीं है, हमें ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने का तरीका नहीं पता है, वी आर नॉट यूज टू कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो दिस इज अगेन अ स्किलिंग प्रॉब्लम, द टीचर डोंट हैव दैट स्किल, दे हैव द नॉलेज, दे कैन इम्पार्ट द नॉलेज विद द स्टूडेंट्स, दे कैन शेयर देयर नॉलेज विद द स्टूडेंट्स, बट दे कैनॉट शेयर देयर नॉलेज ऑन ऑनलाइन मोड और एनी अदर सच प्लेटफॉर्म। तो ये एक समस्या टीचर्स में देखने को मिली है कि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन ऑनलाइन मोड से क्लास कैसे लेना है ये उनको नहीं पता है, किस प्रकार उन्हें स्टूडेंट से इंटरेक्टिव होना है, किस प्रकार से उन्हें पीपीटी शेयर करना है, किस प्रकार से उन्हें पीपीटी स्क्रीन शेयर करना है, दे डोंट हैव दैट नॉलेज। इट डजंट मीन दे डोंट हैव दैट एक्चुअल सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, बट ऑनलाइन डिलीवरिंग लेक्चर इज डिफरेंटली डिफरेंट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम टीचर्स आर फेसिंग। तीसरा, जो एजुकेशन सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब मैं संस्थाओं की बात करूंगा कि संस्थाओं का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि संस्थाओं के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इतने कम समय में ऑनलाइन एजुकेशन की ओर मुड़ सक पाएँ। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं NPTEL के माध्यम से MOOCs क्लासेस को बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन जो हैं, जिनको गवर्नमेंट की ओर से फंड मिला है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, दे कैन रन, बट इन केस ऑफ नॉर्मल कॉलेजेस और यू कैन से बेसिक प्राइवेट कॉलेजेस और कन्वेंशनल कॉलेजेस, दे डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। दैट इज ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो संस्थानों की ये समस्या है। दूसरा, संस्थानों की समस्या जो शिक्षकों की समस्या भी है, संस्थानों की समस्या है कि उनके पास स्किल्ड टीचर नहीं है जो ऑनलाइन, जिन संस्थानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास स्किल्ड टीचर नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को डिलीवर कर सक पाएँ, तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा, चौथा जो कंपोनेंट है, चौथा जो तत्व है वो है संस्थान, ये मैंने आपको, तीसरा जो है वो संस्थान, चौथा जो तत्व है वो है समाज, क्षमा चाहूँगा, चौथा जो तत्व है वो है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षक और स्टूडेंट नहीं मिल पाने के कारण, संस्थानों में शिक्षक और स्टूडेंट नहीं मिल पाने के कारण शिक्षणेतर कई तरह की गतिविधियां जो हैं अफेक्टेड हैं, जिसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, कि हम ऑनलाइन लेक्चर तो ले सकते हैं, ऑनलाइन हम एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन हम बच्चों को फुटबॉल कैसे सिखा सकते हैं, ऑनलाइन हम बच्चों को क्रिकेट कैसे सिखा सकते हैं, ऑनलाइन हम बच्चों को प्रेयर कैसे सिखा सकते हैं, ऑनलाइन हम बच्चों को वो टच कैसे दे सकते हैं, वो फील कैसे दिला सकते हैं, उनको पैम्परिंग कैसे कर सकते हैं, ये कई तरह की समस्याएं इसमें देखने को मिली हैं, जो कि टीचिंग में यह आवश्यक है, टीचिंग में चीज़ें होती हैं। टीचिंग का मतलब बस लेक्चर खड़ा होकर डिलीवर करना नहीं होता है, टीचिंग का मतलब सपोर्ट होता है, मेंटरशिप होती है, जिसमें इमोशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल कई तरह का आपको टच देना पड़ता है, वो आवश्यक होता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या एजुकेशन की हो गई है, क्योंकि शिक्षक उपलब्ध नहीं है इस पैंडेमिक की वजह से, स्टूडेंट उपलब्ध नहीं है, एक माध्यम है जो कई बार सपोर्ट करता है, कई बार सपोर्ट नहीं कर पाता है, टेक्निकल एरर्स कई सारे आ जाते हैं, और दूर दराज के क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे या टीचर जो हैं उनसे कनेक्ट कर पाना संभव नहीं होता है। तो यह एक बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अगला जो है वो समाज, शिक्षक जो है वह समाज बनाता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थान और शिक्षा, ये सब मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। तो जब हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, जब हम एक ऐसे देश की परिकल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ पे हम लर्नर लोगों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ब्रिलियंट लोगों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम उत्कृष्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे शिक्षक, विद्यार्थी, संस्थान और शिक्षा, इन चारों का होना अपार आवश्यक है, अन्यथा हम अच्छे नागरिक नहीं बना पाएंगे, हम अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, हम उस समाज को नहीं बना पाएंगे जो हम असल में चाहते हैं। तो समाज के निर्माण के लिए भी शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, और शिक्षा के बिना समाज की परिकल्पना कर पाना संभव नहीं है। तो यह जो पैंडेमिक COVID-19 जो आई है, उसकी वजह से जो शिक्षा में या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम देखने को आई है, समाज में भी कई प्रकार की विकृतियाँ
इससे आएंगी, क्योंकि शिक्षक स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वो शिक्षा का एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो उन्हें अपने संस्थानों में मिलती थी, जो उन्हें अपने परिसर में मिलती थी, जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मिलती थी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट लोकेलिटी, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो हमें शिक्षा मिलती थी वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो हम एक बेहतर समाज को नहीं निर्माण कर पा रहे हैं, यह एक चैलेंज देश के लिए आगे रहेगा। और जो अंतिम बिंदु है इस सिस्टम का, वह है देश। तो मैंने आपको 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। सबसे पहला विद्यार्थी, पहला जो है विद्यार्थी, देन शिक्षक, इंस्टीट्यूशन, उसके बाद से शिक्षा, फिर समाज और फिर देश। यह 6 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पे हमें चर्चा करना है, हम चर्चा कर रहे हैं। जो 6वां महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताता हूँ वह है देश। जब तक समाज सुदृढ़ नहीं बनेगा, समाज मजबूत नहीं बनेगा, तो तब तक हम एक अच्छे देश की परिकल्पना, एक अच्छे इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हमें किस प्रकार से सर्वाइव करना है, किस प्रकार से हमें कोप अप करना है, यह एक अपने आप में, और इसके लिए हमें कुछ बेहतर करना पड़ेगा। तो जो भी ऑनलाइन सिस्टम है उसे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा देश और समाज के लिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं देखता हूँ या मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ, तो जो मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्ट्रेटा ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। वी नीड कंसेप्ट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल्स, फ्रॉम द मेंटर्स, फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम कंसल्टेंट्स। वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, एंड वी कैन बिल्ड अ न्यू मॉडल, अ न्यू यू कैन से एजुकेशन सिस्टम फॉर आवर कंट्री, वेयर वी कैन ईजिली कन्वे, वेयर वी कैन ईजिली कोऑर्डिनेट, वेयर वी कैन ईजिली इम्पार्ट क्वालिटी नॉलेज, क्वालिटी कंटेंट टू आवर स्टूडेंट्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन। सो फ्रेंड्स, दिस इज दी वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू ऑल। सो कीप इन माइंड, वी कैन इम्प्रूव, बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ईच एंड एवरी वन, and each and every stakeholder of this country. So let's join hand together for the betterment of the country. Let's join hand together for improving our education system. Let's join hand together to adopt online education system and to learn to skill ourselves for the better imparting knowledge to our students and to build this education system properly to support the society and to nurture our country, to build our new India, to build Vishwaguru Bharat. सो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। निश्चित ही मेरा जो विषय था वो आप तक पहुंचा होगा। इस संबंध में जो भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप इनबॉक्स में मुझे कर सकते हैं और निश्चित ही उन प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। ऐसे कई प्रकार के लाइव सेशंस में विभिन्न विषयों पर आपसे मैं चर्चा करूंगा, और शिक्षक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य भी है देश और समाज के प्रति। मैं अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा, और आइए एक अच्छा नया भारत बनाएं जिसमें हम सभी कोऑपरेट करें, एक साथ मिलकर के एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जहाँ पे हम पुनः गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपने संस्थानों को मजबूत करें, अपने शिक्षण को, अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को मजबूत करें, स्किल करें, बच्चों को भी नॉलेजर बनाएं, बच्चों को उस योग्य बनाएं कि वह देश और समाज की रक्षा कर सक पाएं। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।